कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने भाजपा प्रत्याशी मंत्री राजेंद्र शुक्ल पर पैसे और शराब पर्ची बांटने का लगाया आरोप। गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा के दौरान रीवा कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने मंत्री राजेंद्र शुक्ल पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। मतदाताओं के बीच सम्मान के नाम पर मिठाई के पैकेट, साल और साड़ियां बांटी जा रही हैं। मिठाई के डिब्बों के अंदर रखकर 2100 रुपए बांटे जा रहे हैं। साथ ही बस्तियों में खुलेआम शराब की पर्चियां बांटकर मतदाताओं को लुभाने का काम किया जा रहा है, जिससे आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जिसे जानकर भी प्रशासन अनजान बना हुआ है। उनका कहना है कि इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष मेरी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों का सहारा ले रहा है और मेरे खिलाफ अफवाह फैलाई जा रही है और व्यापारियों के बीच जाकर उन्हें धमकाया जाता है कि अभय मिश्रा को वोट नहीं दिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस अधीक्षक से की है। आप देखो, ये बहुत बड़े विकास पुरुष से विकास की गाथा गाते हो, तो अब ले लो ना वोट, जनता दे रही ना वोट। ये शराब की पर्ची, ये शोभा दे रहा, ये देखिए, ये मंत्री 3 पेटी 5 पेटी, बैजू साके 7 पेटी, हरसू चिकवा 2 पेटी, सोनू बघेल गुड़हर 2 पेटी। इस तरह से आप ये देखते चलो आप कि ये इतनी पर्चियाँ तो ये यहाँ कितनी पर्ची, और ये सब में राजेंद्र शुक्ला मंत्री के हस्ताक्षर। आइए आपको लेकर चलते हैं भाजपा प्रत्याशी मंत्री राजेंद्र शुक्ल के पास। अभय मिश्रा के लगाए आरोपों के बारे में उनका क्या कहना है? देखिए, जिस आदमी की कोई विश्वसनीयता नहीं है उसके बयान में मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। पहले व्यक्ति को अपनी विश्वसनीयता बनानी चाहिए, फिर इस प्रकार के आरोप लगाने चाहिए। जितने भी आरोप लगाए गए सब झूठे हैं और रीवा की जनता गंभीरता से उनके किसी भी आरोप को नहीं ले रही है और ये मानती है कि गलत हथकंडे अपना के चुनाव के मैदान में जो कोशिश कांग्रेस कर रही है उनको करारा जवाब मिलेगा और ऐसे लोगों की जमानत जब्त करके भविष्य में इस प्रकार के तत्व चुनाव लड़ने की हिम्मत न करें वो फैसला जनता करेगी।